और इस हफ्ते आपके लिए लाई हूँ मानसून शूटआउट का रिव्यू। अगर किसी फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम जुड़ जाए तो उस फिल्म से दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें हो जाती हैं। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपको नेगेटिव रोल में नज़र आएंगे। अब वो अपने नेगेटिव रोल से दर्शकों को कितना इम्प्रेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही बताएगा। लेकिन अगर बात की जाए फिल्म की, तो क्राइम ड्रामा फिल्म मानसून शूटआउट से डायरेक्शन की शुरुआत करने वाले अमित कुमार ने इस फिल्म की कहानी से ज्यादा फिल्म के स्टाइल पर ध्यान दिया है। सर, ये हमारा केस है सर। केस गया खाई में। ऑर्डर्स फॉलो करो वरना रिपोर्ट कर दूंगा, तुम फट्टू हो। कहानी इस बात पर टिकी है कि आदि का सामना जब कत्ल के आरोपी शिवा यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होता है तो उसका एक फैसला कैसे उसकी और शिवा की पूरी जिंदगी बदल के रख देती है। ये पापा की बात याद रखना कि जिंदगी में तीन रास्ते होते हैं, सही रास्ता, गलत रास्ता और बीच का रास्ता। समझ नहीं आ रहा क्या करूं तेरे साथ। पहली फिल्म में विजय वर्मा ने अच्छा काम किया है और कातिल के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी बखूबी अपने किरदार को निभाया है। वाह, क्या बात है आदि, अब तो तुम हीरो बन गए हो। जहां फिल्म की कहानी दर्शकों को बांधे रखती है, वहीं इसके साथ किया गया ट्रीटमेंट जरा कमजोर सा साबित होता है। साथ ही इस फिल्म की चर्चाएं कम होना, प्रचार प्रसार ज्यादा ना होना मूवी का माइनस पॉइंट साबित हुआ है। भले ही इस हफ्ते आपको बड़े पर्दे पर निराशा हाथ लगी हो, ज्यादा मायूस ना हो, क्योंकि अगले हफ्ते बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आ रहे हैं सलमान खान टाइगर जिंदा है के साथ। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई मूवी के रिव्यूज के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन होरी लाल के साथ प्रिया पांडे, क्लिपर 28।